एंग्लोमेरेटम की बात करते थे, मैंने आपको बताया था एंग्लोमेरेटम होता है बेसिकली घुमाऊ शक्ति। क्या होती है? घुमाऊ शक्ति होती है। जैसे मोमेंटम होती है भाई, कितनी शक्ति चाहिए उसको रोकने के लिए, वैसे ही घूमती हुई चीज को कितनी शक्ति चाहिए उसे रोकने के लिए, वो आपको अपने को बताता है एंगुलर मोमेंटम। कौन बताता है? एंग्लोमेरेटम घुमाऊ शक्ति। अपन ने उसका फॉर्मूला बताया MR क्रॉस V। क्या बताया? उसको तीन तरीके से लिखा जा सकता है, MRV sin theta, MR perpendicular V, MRV perpendicular, R perpendicular अगर होगा तो वो V के perpendicular होगा। किसका होगा? V के perpendicular। अगर MRV perpendicular होगा तो V perpendicular यानी कि component of velocity which is perpendicular to R। मुझे लगा है तुम्हें आया? आया कि नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक की बात अपने कल दी, समझ में भी आ गया, ठीक भी लगा। ठीक भाई, अपने MR क्रॉस भी यहाँ पे बात करा। फिर मैंने बोला MR क्रॉस भी तीन चीजों के लिए बेसिकली लिखा जा सकता है। मैंने बोला कि अगर पॉइंट मास हो तो अपन लिखते हैं MR क्रॉस V। क्या लिखते हैं? पर अगर कोई भी रिजिड बॉडी किसी भी फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमती है तो उसे लिखते हैं I ओमेगा। क्या लिखते हैं? इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया, कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए भाई, वो अपना हो जाता है I ओमेगा। क्या हो जाता है? I। I किसके अबाउट? सेंटर मास के अबाउट की एक्सिस के अबाउट? किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट। अपन I ओमेगा लिखते हैं। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। एक और तरीका आएगा जो अपन बाद में पढ़ेंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। यहां तक अपन एंगुलर मोमेंटम की बात कर चुके थे, और तो कुछ नहीं बताया था ना। एल इक्वल टू आई ओमेगा, उसको डिफरेंशिएट करके टी टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ये चलो इतना सिंपल सिंपल सॉल्व कर दो जल्दी से, फटाक से आ जाओ। कहते मैंने एक सर्कुलर में जब चालू हुआ था तो मैंने बोला था कि मैं अपने घर से निकलता हूँ, मेरी बीवी मुझे देखती है, कोई और भी है जो मुझे हाँ देखता है, तुम्हें क्या मतलब उससे? कैसे गए हमने? कैसे गए? कैसे नहीं अपडेट है इसको? एंगुलोमेंटम क्या होगा टाइम के साथ? अबे ए ए मैंने कितना Q0 बोलो, क्लियर है क्या? कोई बुरे वाली बात नहीं है। अरे सोच लो। शाबाश जीरो। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आया बाबा। अच्छा व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी? कांस्टेंट? बढ़ रहा है घट रहा है? कांस्टेंट बढ़ रहा है घट रहा है? कांस्टेंट है। कैसे पता पड़ा? किसी भी इंस्टेंट में अगर ये आर है तो क्या यही आर परपेंडिकुलर है? यही क्या है? बी में कोई चेंज? तो क्या चुपचाप आंसर आ गया एम वी डी के? दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज अ बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन। एक और कर दो फटाफट, रफ्तार तेज, पागल हो रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। हैं नहीं आज थोड़ा ज्यादा पागल हो गए, पिछले क्लास नहीं ली थी ना, तो दो क्लास पागल हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। चलिए फटाक। हाँ भाई, मैं फिर भी तुमको तुम अपना बिहेवियर सुधार लो, 30 सितंबर आ गया है, ब्राह्मण जलाए जाएंगे, बहुत खतरा है तुम लोगों को। सालो मेरे को खतरा है ना, आप तो सर निकलना ही बंद कर दो सर, आपको खोदेंगे तो फिर हम क्या करेंगे सर? अगले साल जल्दी ना सर, इस साल कोर्स कंप्लीट कराओ, है कि नहीं? मेरी रक्षा के लिए खड़े रहोगे ना तुम लोग? इसलिए तो मुझे डर नहीं लगता, साला मुझे कुछ जलाने आएगा तो कोर्स के बीच में कौन मुझे जला देगा? क्या कहते हो यार? और लोग बात सोचते हैं कि इनका प्यार है, प्यार नहीं है साला, कोर्स कंप्लीट कराने का प्यार है। देखा जा हाइट भी सही है ना, डीप डॉग भी वैसे ही आपका, लक्षण तो पूरे है ही। मास एंड रिलीज, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो भाई साहब छोड़ दिया, मान लो अपना ये पॉइंट डी है, बोलो क्लियर? सिंपल सा सवाल वापस, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ, मान लीजिए हाइट एच है, ठीक है, मान लो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मास विद रिस्पेक्ट टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। इसको एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, हां
मान लेते हैं बात है नहीं कि टी टाइम में कितना गिर जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, एस तो बेटा टोटल हाइट है, किसी भी टाइम टी में कितना गिर जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, और इसकी रफ्तार कितनी होगी, जी टी, क्या होगी, ध्यान से देखो तो क्या ये मेरा आ रहा है। अच्छा बता एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन किधर है, एम आर क्रॉस भी करो जल्दी, एम आर क्रॉस भी डायरेक्शन किधर है, किधर है, किधर है, कोई बुराई वाली बात अंदर है साहब, बहुत बढ़िया एमजीडी, बहुत अच्छा लगा, ठीक है भाई, बहुत सुंदर बजाया बाबा, डी जी टी हाफ जी टी स्क्वायर जी टी, सब ने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अगर तू बहुत ध्यान से देख तो हर समय ये आर है तो आर परपेंडिकुलर तो यही है, आर परपेंडिकुलर तो, आर परपेंडिकुलर तो यही है, क्योंकि आर परपेंडिकुलर यही है, यानी कि हर समय जो एंगल मोमेंटम होगा वो होगा एम जी, एम वी, वी कितना, जी टी कितना, तो एम जी टी इंटू डी, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, क्या दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। मैं इसको एक तरीके से और बताना चाहता हूं, क्योंकि कई बार दोनों में से कोई भी तरीका आसान हो सकता है, कैसे, ध्यान सुनो, जैसे टॉर्क बराबर अपन जानते हैं डीएल बाई डी टी, टॉर्क बराबर क्या है, टॉर्क बराबर क्या है, अब ध्यान से देखो तो इस वाले सवाल में तू पहले टॉर्क निकाल चुका है एक बार, तो याद कर इसके वो टॉर्क था एमजीडी, कितना था, जो कांस्टेंट था, तूने टॉर्क निकाला था वो क्या था, एमजीडी, जो क्या कांस्टेंट था, जो क्या था, कोई बुराई वाली बात, टॉर्क एमजीडी कांस्टेंट था, तो भाई साहब आप ऐसे लिख लो इस वाले पर्टिकुलर सवाल में टॉर्क एमजीडी व्हिच इज अ कांस्टेंट, बट टॉर्क कैन बी रिटन एज डीएल बाय डीटी, तो डीटी को इधर ले जाओ या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, तो एल इक्वल्स टू एमजीडीटी। अरे ये दूसरा मेथड है, हालांकि ये भी आसान है और ये भी आसान, पर अपने को दोनों समझ में आने चाहिए, कभी ये टफ लगे तो इससे कर लो, ये टफ लगे तो इससे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात, ऐसे में कोई शक वाली बात नहीं, अरे हाँ ना बोले यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एल इक्वल्स टू एमजीडीटी, बोलो तुम्हें नहीं चमका, तो दोनों मेथड चमके एकदम पक्का, तो कभी कभी हो सकता है कि इससे आसान लगे, कभी कभी लगता है कि उससे आसान लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो उतर गए, आइए ओके लेट्स कम टू द पॉइंट, जो बोला चमका वाली बात आइए, मान लीजिए देखिए ध्यान से, ध्यान सुनो, मान लीजिए कि अपन ने ऐसे रखा ये खुपाच, खुपाच, ये ऐसे अपन ने किसी पार्टिकल को यू से थीटा एंगल से देखा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, बोलो ये क्या प्रोजेक्टाइल करेगा, अच्छा समान कोई एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, चलो इधर देखो सब लोग, इसमें टॉर्क वाला बहुत आसान कर देगा सवाल, तो वैसे टॉर्क निकाला था अपन, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मान लो इस पे mg लग रहा है, क्या लग रहा है mg, ध्यान से देखो तो क्या ये r परपेंडिकुलर है, किसी भी टाइम t पे ध्यान से देखो तो ये r परपेंडिकुलर है u cos थीटा t, अरे कितना है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो टॉर्क की वैल्यू है mg into u cos थीटा into t, क्या टॉर्क कैन बी रिटन एज dl / dt, दोनों तरफ dt ले जाओ इधर उधर कोई बुराई नहीं है, लिमिट 0 टू t l, तो l इक्वल्स टू आया mg u cos थीटा t स्क्वायर / 2, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, तुम इसे नॉर्मल प्रोसीजर से करोगे ना लंबा हो जाएगा बहुत, तुझे सॉल्व करना उतना आसान दिस इज, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं होगा, जाहिर सी बात है होगा तो सही, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, यार तुम्हें समझ नहीं आया, यार आया कि नहीं आया, और कराऊं पॉइंट वाले, क्लियर है,
एमआर क्रॉस वी अप्लाई, मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट मास वेलोसिटी चल रहा है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में एंगल ऑफ मोमेंटम निकाल सकता। ये मुझे बात समझ में आनी चाहिए। मैं तीन चार पांच इलस्ट्रेशन जो भी मैंने कराया उनसे क्या कॉन्फिडेंस मैं आपको दिलाना चाहता हूं, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई भी पॉइंट मास भी रफ्तार से चल रहा है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना आना। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटी, एमजीयू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई टू, आया कि नहीं आया? आया। अब बहुत ध्यान सुन, एक और बात, हालांकि बहुत ज्यादा तुम्हारे काम नहीं आएगी, याद कर मैंने टॉर्क में तुमने दो चीज पढ़ाई थी, टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ आर्क क्रॉस व्हिच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे ही दो चीज होती है जो आप पढ़ रहे हो, ये है टॉर्क अबाउट, सॉरी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट नहीं आया। ऐसे ही एक और चीज होती है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, हालांकि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आने के कोई चांसेस, बट फिर भी कॉन्सेप्ट याद रह जाए तो कोई बुरा नहीं। फिर से कोई बात, क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, जैसे कि अपन ने निकाला, तो क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस क्या है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ एमआर क्रॉस वी व्हिच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस? इट इज द कंपोनेंट ऑफ एमआर क्रॉस वी, इट इज द कंपोनेंट ऑफ एमआर क्रॉस वी व्हिच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे आप इस पर्टिकुलर सवाल में देखो, इस पर्टिकुलर सवाल में देखो तो जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो अंदर आ रहा है, मतलब अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मान लूं, इसे वाई एक्सिस मान लूं, बोलो क्लियर है? yes, और इसे जेड एक्सिस मान लूं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस यही है, एंगुलर ओ भी यही है और एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस भी यही है। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, अरे हाँ ना बोल, सोच लो, कोई कष्ट वाली बात नहीं, मुझे लगा तुम्हें आया। x के अबाउट कितना? जीरो। y के अबाउट? जीरो। y के अबाउट? जीरो। नहीं आया, नहीं आया, आया। तो अगर फिर भी कर तो x के अबाउट ऐसे चल रहा है, पर x के अबाउट ऐसे ऐसे घूम, मुझे लगा तुम्हें आया। अरे भाई साहब, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे सोच लो। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट व्हाट? एंगुलर मोमेंटम अबाउट व्हाट? इज जीरो। मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस इज व्हाट? इट इज द कंपोनेंट ऑफ एमआर क्रॉस वी व्हिच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वैसी बात जैसे हमने टॉर्क में करी थी, तो अपनी भाषा में लिख लो कि जैसे टॉर्क में होता था वैसे यहां पे भी होता है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ एमआर क्रॉस वी व्हिच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। हालांकि इस कांसेप्ट के आने के तुम्हारे चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी लिख लो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो तुम लोग। कौन कर रहा है? जो ने बोला चमका। अरे तुम भूल जाते हो, तुम जिसकी तैयारी कर रहे हो ना, मैं कर चुका हूँ भाई साहब, और तुम्हारे जैसे पता नहीं कितना पढ़ा दिया मैंने। इधर देख, चला जाओ, कहता जो मैं बोला चमका, कोई बुराई वाली बात, चलिए आइए आगे चलते हैं। तो ये था एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, बोलो क्लियर है एकदम? तो पॉइंट के अबाउट अपन ऐसे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। और भी कई सवाल आ सकते हैं, मान लीजिए कोई आपको बोलते हैं पार्टिकल कोई वेलोसिटी 3i के प्लस 4j के, क्या तू कर सकता है? क्या करना है? एम आर क्रॉस वी, क्या यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? एम आर क्रॉस वी, आर वेक्टर पता है? तुम्हें क्रॉस निकालना आता है वैसे? तुम्हारा कोई भरोसा? अगर मैं 2i के प्लस 3k, 3j के प्लस 4k के क्रॉस 2i के माइनस 7k के प्लस 9k के बोलूं, क्या कर सकते हो? सबको ढंग से करना आता है? तो दो को छुपा के क्रॉस, जैसे न्यूटन में एंड सॉल्व करते हैं। विश्वास कर लूं? पक्की बात? यस सर। तो मिस्टर आता है ना, मतलब जैसे जमीन की शांति के लिए बता रहे, मान लो कोई ये वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, बोलो क्लियर? और b वेक्टर है, ये r वेक्टर और f वेक्टर दोनों हो सकते हैं, अगर अपना 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है, बोलो क्लियर है? मैं तो कहता हूं एक सवाल ही देते ना क्रॉस प्रोडक्ट का, ताकि इसमें बात ही खत्म हो जाए। मान लीजिए पार्टिकल है मास m जिसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको, सपोज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, बोलो क्लियर? जिस जगह पे है वहां के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, 3, बोलो क्लियर है? जिस पॉइंट O के अबाउट आपको इसके वो निकालने हैं, क्या निकालने हैं? तो वो उसके कोऑर्डिनेट है -1, -1, 1,
बोलो क्लियर है? मान लो इसके कोऑर्डिनेट है, तो बोलो अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ये सवाल है मान लो, तो मिलके करते हैं बस ताकि टाइम खराब नहीं हो, मुझे पता है कि तुम्हें आता है बट एक कर लेते हैं ताकि किसी के मन में अगर थोड़ी सी भी शंका हो तो वो निकल आए। इधर सुन कैसे करेंगे सवाल को, क्या एम आर क्रॉस वी? यस सर। एम आर क्रॉस क्या आर वेक्टर का हेड यहाँ होता है? यस सर। तो इस पर्टिकुलर सवाल में आर वेक्टर क्या होगा? 1-1 टू आई कैप, अरे कभी तो हाँ ना बोल, टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 ए कैप, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा मास m अगर दिया हुआ है, m के लिए ले लो 1 kg, आसान हो जाएगा। तो अपना एंगुलर मोमेंटम जो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा mr क्रॉस v, क्या लिखा जाएगा? mr क्रॉस v। तो mr क्रॉस v जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप क्रॉस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसको क्रॉस कैसे करते हैं तुम्हें पता है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? i दिस इनटू दिस इनटू दिस, तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, ढंग से सिखाता हूँ। r वेक्टर 2i कैप प्लस 3 j कैप, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो सुन ले, उसने को याद आ जाएगा कि उसने ऐसा करा हुआ है। ये v वेक्टर अगर है तो r क्रॉस v जब लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कैसे लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, इसको छुपा लेते हैं, सबसे पहले i लिखते हैं, इसको छुपा लेते हैं, दिस इनटू दिस 3 माइनस 2, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। दूसरा माइनस j कैप, इसको छुपा लेते हैं, 2 माइनस 4, अरे हाँ हाँ बोल, फिर इसको छुपा लेते हैं, दिस इंटू दिस, तो प्लस के कैप 2 माइनस 6, अरे भाई साहब हाँ हाँ तो बोल, दिस इज द आंसर। तो आया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, अरे भाई साहब हाँ हाँ बोल, दिस इज द टॉर्क वेक्टर, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द, कई लोग सोच रहे ये कैसे लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं, नहीं आता है तो फिर से सुन लो। और होता वही है, अगर ये पूरी कहानी आती कहां से, ये पूरी कहानी आती है, अपन ऐसे लिखते हैं आई आई जे के, और तुम्हें समझ में आता है कि आई क्रॉस जे क्या है, और अगर फील नहीं आती तो ये भी ऐसे कर सकते हो, इधर ले लो आई कैप, इधर ले लो जे कैप, इधर ले लो के कैप, अगर ध्यान से देखो तो आई क्रॉस जे क्या है, के, तो आई भी यूनिट वेक्टर, जे भी यूनिट वेक्टर, क्या के यूनिट वेक्टर की तरफ डायरेक्शन आई, तो आई क्रॉस जे इज के, अरे भाई साहब हाँ ना बोल, फिर जे क्रॉस के, जे 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 क्रॉस के, क्या आई क्या, और क्या उल्टा चलते हैं तो माइनस आता है, उल्टा चलते हैं तो जैसे जे क्रॉस आई करोगे तो क्या माइनस के आएगा? जब पूरा सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करते तो कैसे करना चाहिए, सबसे पहले आई को आई से मल्टीप्लाई करो तो जीरो, आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस आई जीरो, फिर आई क्रॉस जे लिखोगे तो टू, आई क्रॉस जे लिखोगे आई क्रॉस तो टर्म आएगी के, क्या आएगी, तो देखिए वो टू इंटू, ये जो आप करते हो ना ऐसे टू इंटू ये वाला वो यहां से आता है, अरे तुम्हें नहीं आया, ये सब जो आप शॉर्ट ट्रिक लिखते हो उसी से आती है, वरना तीन को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो सारे वो बहुत लंबी टर्म बन जाती है, अरे तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, चलो बता दिया मैंने, कि कई लोगों की शक्लों पे लिखा है ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली बेसिक वो ही है कि आप इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे 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 इसको इससे इससे इससे, हमें तो लॉजिकली बताओ कैसे लिखा गया, तू ध्यान दे, इसको तीन से, इसको तीन से, इसको तीन से, पक्का बिल्कुल गड़बड़, चलो नहीं है। हाँ भाई हाँ, आई कैप जे कैप और के कैप, तो क्रॉस प्रोडक्ट में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। खैर हम थोड़ी अच्छी उतार ली सबने, उतार ली सबने, गुड। तो जो बेसिकली और अच्छी बातें करते हैं वो करते हैं टॉर्क बराबर डीएल बाय डीटी, और कुछ अलग अलग प्रकार की बातों पे देख ध्यान से कैसे, फिर और अपन अलग टाइप की बातों पे चलेंगे भाई, उसको पढ़ा, ये सिंपल सी बात मैं मानता हूँ कि तुम्हें आता है, आता है क्या, उसको कोई खास बात नहीं है। अगर कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी घूम रही है किसी व्यक्ति के बढ़ते हुए, उसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, तो उसमें तो बेसिकली क्या आना चाहिए, आई, क्या आना चाहिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो हमें उसका एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है, उसकी वैल्यू होती है आई ओमेगा, क्या होती है, उसमें हमें कोई कष्ट नहीं है, अरे पक्की बात, वो बात हमें क्लियर है। हम थोड़ी थोड़ी और बातें करते हैं,
जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि चलो तुम इस टायर वाले से समझाता हूं, अब क्या है जैसे मान लो कि ऐसे अपन इस टायर को ऐसे ये रस्सी से पकड़ना है और छोड़ दो, गिरा कि नहीं गिरा, गिरा। क्यों गिरा, किसी वजह से, एमजी का टॉर्क लगा, एमजी का क्या लगा, तो गिर गया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, गिर गया उसमें क्या दिक्कत है। बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये ऐसे गिर गया किसके टॉर्क की वजह से, क्या एमजी के टॉर्क की वजह से गिर गया, एमजी के टॉर्क की वजह से, लॉजिकल भी है ना, इट फॉल्स बिकॉज ऑफ एमजी टॉर्क, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देख गिरा क्या? नहीं गिरा। हाँ धीरे होता जाएगा तो गिर जाएगा, अलग बात है, बाकी अगर घूमता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। देख वापस देख, ये गिर क्यों, because of black magic, good answer, write it down. अभी अगर आपने पहले इसका लॉजिक आप नहीं जानते तो इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड इट, अगर आपने इसको पहले नहीं सुना हुआ है तो इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड इट। अच्छे सोचो, सवाल तुम्हें लिखना है, मैं सिर्फ समझाऊंगा, लिखना आप ही को होगा सब कुछ। पहले तो सवाल चमका सबको, और मैंने आपको करके ही बताया भाई, अपन सिंपली छोड़ा तो गिर गया, सिंपली छोड़ा तो वो, पर जब मैंने घुमाया तो फिर ये गिरा नहीं। क्यों, सवाल है क्यों, क्यों मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा एक और सवाल का जो आपने देखा है, लट्टू देखा है, लट्टू अगर आप लट्टू को ऐसे छोड़ दो, लट्टू देखा है कि नहीं देखा, पहले लट्टू को अगर आप ऐसे छोड़ दो तो इट विल फॉल बिकॉज ऑफ एमजी टॉर्क, फॉल्स बिकॉज ऑफ एमजी टॉर्क, बट अगर आप लट्टू को घुमा के छोड़ते हो तो गिरता है या घूमता रहता है, घूमता रहता है ना, अगेन सेम सवाल, क्यों घुमाना आना है। इन दोनों का रीजन सेम होगा, इन दोनों का रीजन सेम होगा, सेम सवाल है।
अरे क्या हो रहा है ये? पहले पार्ट में, कौन से पार्ट में? पहले पार्ट में एमजी लगा ऐसे, अगर एमजी लगा ऐसे तो ध्यान से देखो तो आर क्रॉस एमजी क्या बाहर की तरफ आया, तो ये बॉडी ऐसे घूम गई, ये बॉडी ऐसे घूम गई, इसमें भी लग रहा है एमजी का टॉर्क, इसमें एमजी का टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है किधर, तो गिरा क्यों नहीं है? सवाल ये, सवाल ये कि उसमें भी एमजी का टॉर्क लग रहा था इसलिए गिर गया, लॉजिक समझ आया, परफेक्ट, इसमें भी तो एमजी का टॉर्क लग रहा है, why it is not falling, सवाल ये है रियलिटी। Now listen to me very carefully, mg ने यहां पे भी अपना काम करा, mg ने यहां पे भी अपना काम करा, पर दोनों का काम, दोनों ने अपना काम जो चाहते थे वो ही करा, पर उसका इफेक्ट अलग अलग आया, कैसे? लिटरली यहां पे इसने इसको गिराया, यहां पे इसने इसको गिराया ऐसे। तो एक बात नोट करना, जब मैंने इस टायर को घुमाया मैंने एक काम करा था, एक अपने आप हुआ, सोचना क्या, सोचना क्या, जब मैं इसको ऐसे पकड़ के घुमाता हूं, एक बार नोट करना, मैंने इसको ऐसे घुमाया था, ये ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, अरे यार ये मैंने नहीं दिया, ये मैंने नहीं दिया, नोट करिए बात, अरे हाँ ना बोले यार, मैंने इसको ऐसे रोटेशन दिया था, मैंने इसको ऐसे रोटेशन, ये कौन कर रहा है? एमजी का टॉर्क कौन कर रहा है? अब क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, बात समझे, क्योंकि टॉर्क को सीखने के लिए हमें बात को समझना पड़ेगा। फिर तो क्या बात चमकी? इसका मतलब कोई तो था जो इसको ऐसे ऐसे घुमाया, कोई तो था जो इसको, यहां पर किसने घुमाया? वो एमजी, यहां पे भी इसने इसको गिराया ऐसे एमजी ने, पर यहां पे इसने गिराया नहीं, इसको घुमाया, ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही वैसी है, टॉर्क की डेफिनेशन है एल के साथ टॉर्क इक्वल्स टू डीएल वेक्टर बाय डीटी। एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैंने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम में आएगा, क्या बताता हूं, मैं आपको बात बोली थी कि एक्सेलरेशन बराबर डीवी वेक्टर बाय डीटी में एक्सेलरेशन और वी की डायरेक्शन सेम होती है, चेंज इन डायरेक्शन किसके सेम? एक्सेलरेशन। असलियत में एक्सेलरेशन ये इंश्योर करता है, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, असलियत में एक्सेलरेशन ये इंश्योर करता है कि अगर इस सर्कल में अगर आप देखें तो ये अपनी वी इनिशियल, ये अपनी वी, अगर आप वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करो तो सोच इधर आएगा, विच इज टुवर्ड्स एक्सेलरेशन, विच इज टुवर्ड्स एक्चुअली एक्सेलरेशन ये इंश्योर करता है कि मैं फाइनल रफ्तार को ऐसे ले आऊं कि भले फाइनल रफ्तार मेरी तरफ ना हो पर फाइनल माइनस इनिशियल मेरी तरफ हो। तुझे इन बात समझ? अगर ये हो रहा है तो डेफिनेशन वाइज वो करेक्ट है, पर जो मैं बोला चमका, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम तब हो सकती है जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो फाइनल वेलोसिटी उधर ही होनी पड़ेगी जिधर एक्सेलरेशन हो, तभी तो चेंज उधर आएगा, या मुझे लगा तो मैं आया, बट अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, बट अगर इनिशियल वेलोसिटी मुझे लगा तो मैं आया, बट अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी को ऐसे लाएगा, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी को कि फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो क्लियर है? दैट इज व्हाट विल हैपन ओवर हियर। टॉर्क और डीएल बाय डीटी, टॉर्क और एल की डायरेक्शन सेम होती है, टॉर्क और टॉर्क ही इंश्योर करता है कि भले फाइनल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन उसकी तरफ ना हो पर फाइनल माइनस इनिशियल की मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अब इनमें यही खास बात है, सुनना, इस वाले केस में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। इसमें है, जब मैंने इसको ऐसे घुमा, ऐसे घुमाया था, तू देख जब मैंने प्रैक्टिकल करा तो ऐसे घुमाया, तो ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया तो एल इधर आई ओमेगा, भाई साहब नहीं आया, आया। इस केस में क्या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ध्यान से देखो तो क्या इधर की तरफ है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इधर की तरफ है, और टॉर्क किधर है? बाहर। बात को समझना, पेन दो, ऐसे पकड़ ले इसको, यहां से पकड़, है ना, बस ऐसे पकड़ ली, तेरा काम और कुछ नहीं, ऊपर कर। ये क्या है?
इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क किधर है? इधर। ध्यान देख तो ऐसे। अरे भाई साहब, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब सोच एल फाइनल कैसे आए। एल फाइनल कि टॉर्क की डायरेक्शन इधर आ जाए ऐसे। ये ट्रायंगल बनाएंगे ना कि एल फाइनल माइनस। तुझे नहीं आया? नहीं आया? नहीं देख, पढ़ो पढ़ो ध्यान से। ये एल इनिशियल है। ये अगर तू ध्यान दे तो ये एल इनिशियल है। अब कैसे एल फाइनल आए कि टॉर्क उसकी तरफ आ जाए? तो एल फाइनल माइनस, एल फाइनल माइनस किसकी तरफ होना चाहिए? टॉर्क की तरफ। टॉर्क किधर है? इधर। मेरी बात समझ। इसलिए वो टायर ऐसे। ये एल वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? कौन चेंज कर रहा है? एमजी का टॉर्क। And every time when it changes the direction of L vector, it ensures that the change in angular momentum is towards mg torque. Yes, sir. Is towards mg torque. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। This is continuously happening. That is what happens over there also. In Lattu also, अगर आप ध्यान से देखो इस केस में L initial कितना है? Zero. तुम्हारे प्राण निकल गए भाई साहब। Yes, इसमें L initial कितना है? Zero. इसमें L है? Yes, sir. ध्यान से देखो इसमें L इधर है। Yes, sir. ये L ऐसे घूम रहा है। आगे जाके पढ़ोगे तो सर्कल ऑफ प्रिसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जायरोस्कोप के फंडे हैं। किसके फंडे हैं? बहुत ज्यादा नाम डिटेल में। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, ध्यान समझो अच्छे से। पर जब पढ़ते तो फील आती है अच्छा यार टॉर्क थोड़ी सी अच्छी चीज है, एंगुलर मोमेंटम थोड़ी सी अच्छी चीज है। यूनिवर्स इज ड्रिवन बाय एंगुलर मोमेंटम। हम सब एंगुलर मोमेंटम की वजह से ड्राइव हो रहे हैं। अरे भाई हाँ ना बोल यार, पहले ऐसा माना जाता था कि स्टार्स जो है ग्रेविटी और पार्टिकल्स की वजह से बनते हैं, पर अब धीरे धीरे पता पड़ा है कि वो एंगुलर मोमेंटम आता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से? छोड़ दो, मैं समझ गया है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, काम का नहीं है, बोल देता मैं। तो बेसिकली अपन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अपन ऐसे ऐसे जब अपन ऐसे घूम रहे तो सोच एल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हु चेंजिंग द एल डायरेक्शन? पहले ऐसे फिर ऐसे, तो क्या ऐसे आया डिफरेंस? अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। भाई अगर L पहले ऐसे था और फिर ऐसे है तो चेंज तो ऐसे आएगा ना। अरे तुम्हारी तो यार, अगर डायरेक्शन वाइज सोच लो टॉर्क इक्वल्स टू L फाइनल माइनस, तो क्या L फाइनल इक्वल्स टू टॉर्क प्लस L इनिशियल? तो L इनिशियल अगर ये है, टॉर्क ये है, तो L फाइनल होना चाहिए ना। अरे नहीं आया, अरे मुझे एक जो उसमें ला रहा नहीं आया। कुछ कुछ बात चमकी। तो ऐसा नहीं कि टॉर्क अपना काम नहीं कर रहा, टॉर्क अपना काम कर रहा है। इसीलिए टायर ऐसे ऐसे, इसीलिए आपको लट्टू ऐसे थोड़ी ऐसे 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 तो लट्टू नहीं देखा कभी, बस ऐसे घूमता है वो। ऐसे ऐसे भी घूमता है वो। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ आया? Yes, अब सब कुछ लिखा होना चाहिए 5 लाइन में, कम से कम 5 लाइन लिखी होनी चाहिए। खुद का नाम बार बार लिखा भूसा मार दूंगा। और मैं कुछ नहीं लिखा रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आया तो बेझिझक पूछो। और पूरे 3 मिनट है तुम्हारे पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। है ना, ऐसे अपन बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत कॉनिकल पेंडुलम में। जैसे कॉनिकल पेंडुलम देखा है तुमने? कॉनिकल पेंडुलम में जैसे अपन ऐसे ध्यान से देखते, ओरिकल पेंडुलम में क्या होता था? एक बार एक ऐसे एक्सिस होती थी, इसके अबाउट मान लीजिए कि यहां पे मास एम है, मास एम है, और ये ऐसे वी रफ्तार से ऐसे घूम रहा है, देखिए ऐसे सर्कल में। हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घूमता रहता है। अरे भाई हाँ ना बोल। हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो घूमता है। मान लो पॉइंट O है, मैं फिर से आपसे एक बात पूछूं, मान लो लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, क्या यहाँ पे mg लग रहा है? O के अबाउट mg का टॉर्क? सुन लो बताओगे? mg है, टॉर्क अबाउट O कितना है? mg L sin थीटा, यस और नो? अरे गिर तो नहीं रहा, रफ्तार भी चेंज नहीं हो रही, फिर क्या कर रहा है टॉर्क? अब सही से लॉजिक दो, अब तुम दे सकते हो। mg लग रहा, पहले तो टॉर्क लग रहा है कि लग रहा? ओके अबाउट टॉर्क, तुमने ही बोला mg L sin थीटा। रफ्तार चेंज हो रही है क्या? घूम रहा है ना चुपचाप? तो टॉर्क क्या कर रहा है फिर? किसकी डायरेक्शन? किसकी डायरेक्शन? एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन चेंज हो रही है। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन चेंज हो रही है। Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes. सोच के देख, क्या इस
वाली इंस्टेंट में वी अगर बाहर है तो क्या एम आर क्रॉस वी ऐसे? एम आर क्रॉस वी ऐसे, देख ध्यान से, जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम वैसे घूमता है। भाई साहब, सो व्हाट टॉर्क इज डूइंग इनटू इट? चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ, इसका डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ऑफ टॉर्क, बिकॉज ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड भले चेंज नहीं हो रहा वो अलग बात है, पर क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? Yes, sir. यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया। इसी में तेरे को एक और बात समझा देता हूं। देख ये था टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ। मान लो मैं बोलता कि ये है मान लो एक्सिस, है ना, तो व्हाट इज टॉर्क अबाउट एक्सिस? ओ पॉइंट है, ये एक्सिस है, टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना है इस पार्टिकल का? क्या आवाज नहीं आ रही है? टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना है? सब लोग बोल रहे हैं एमजीएल सही थी क्या? टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना है? एमजी किधर है? नीचे। एमजी किधर है? पक्की बात। आर क्रॉस एफजी करेगा तो क्या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस आ रहा है? तो आर क्रॉस एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हुआ? जीरो। यार तुम्हें समझ नहीं आया इस पर्टिकुलर सवाल में, व्हाट इज टॉर्क अबाउट एक्सिस? जीरो। टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या है? जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं। टॉर्क अबाउट एक्सिस अगर जीरो तो एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं। कौन सा एंगुलर मोमेंटम? अलोंग द एक्सिस। क्या इस एल का इधर वाले कंपोनेंट में कोई चेंज आ रहा है? अरे भाई साहब, अगर टॉर्क अबाउट एक्सिस ले रहे हो तो क्या एंगुलर मोमेंटम भी अबाउट एक्सिस ही लोगे? तो इस एल की डायरेक्शन ऐसे चेंज हो रही है, पर इस डायरेक्शन के साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि जब भी उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस लोगे क्या सेम रहेगा? अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे नहीं आया, फील करोगे तो जो पढ़ाया है उसी फील आएगी तुम्हें। हाँ यार होता ही है, और क्योंकि कॉनिकल पेंडुलम हमने देखा हुआ है तो उसमें सब कुछ होता है, पहला जो मैं बोला चमका तुम्हारे प्राण पर के रूप। तो भाई साहब इसको ऐसे लिखना चाहिए, टॉर्क अबाउट एक्सिस बिकॉज देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर अलोंग एक्सिस इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तुम्हें मेरी बात 1% समझ आई? अरे आई कि नहीं आई? आई। अरे पक्का? यस सर। बता दे। मान लीजिए कि मैं घूम रहा हूं, मैंने हाथों फैला रखे अपने, तेज हो गया, ध्यान दे, जब मैं समेटता हूं तो मेरी रफ्तार, अरे हाँ ना बोल यार, और जब हाथों फैले होते हैं तो मान लो कि ऐसे मैं अभी अभी ओमेगा देता हूं अपने आप को, यहां से अभी मैंने अपने हाथों फैला रखे हैं, अरे हाँ ना बोल यार, बस मैं और नहीं कर सकता, चक्कर आने लगे। तुम्हें मेरी बात समझ? जब मैं ऐसे ले जाता हूं तो आई क्या होता है? आई, और ऐसे करता हूं तो आई, कुछ कटिंग करती हुई लड़की देखी होगी पक्का, अरे हाँ ना बोल यार, वो बहुत तेज घूमने लगती है, जब वो बहुत तेज घूमती है, जब वो बहुत तेज घूमती है भाई साहब, कब घूमती? जब वो अपने हाथ पांव बिल्कुल पहले वो ऐसे से करती है, अरे यार हाँ ना बोल, फिर एकदम से अपने हाथ पांव समेट लेती है, वो अपने हाथ पांव समेट लेती है, पहले था जो बोला चमका, तो अगर वो अपने हाथ पांव समेट लेती है तो फिर क्या बढ़ जाता है? ओमेगा। क्या बढ़ जाता है? ओमेगा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। इसे ही बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल व्हिच यू हैव, और जो आपने बहुत प्रैक्टिकली देखा है, खुद भी आप करके देख सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है, तो मत करना बेटर है ना, फॉर सम पीपल लॉस फ्लॉज यू नो। हाँ बैठ गए, चले तेरा मेरी क्या बराबर, चल मेरे इसलिए मैं एकदम हाँ मोटा हो गया, मतलब हुआ हूं मैं थोड़ा थोड़ा, क्या कहती है ना? अच्छा अभी बोल रही, बाद में मना कर देती, ऐसे बहुत मिलती है। हाँ यार बातें करना करता, जो मैं बोला चमका तू, इंग्लैंड वाली बात। सो
What do you mean by angular momentum conservation? It is a similar kind of stuff which you have done into linear momentum conservation. Linear momentum conservation तब होता था जब f net जब f net zero होता था तो जाहिर सी बात है कि f net zero होता था तो अपना momentum conserve होता था क्योंकि f net f equals to dp by dt. बिल्कुल कहानी तो angular momentum conservation की कहानी कोई लंबी नहीं है. मेनली तो सब सवाल ही है. कहानी तो इतनी सी छोटी सी क्या कि अगर टॉर्क इक्वल टू जीरो अबाउट एक्सिस और अ पॉइंट जिसके भी अबाउट करना ध्यान रखना है भाई साहब कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एक्सिस के अबाउट कर रहे हो पॉइंट के अबाउट कर अरे यार हाँ ना बोल हो सकता है कि कभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है कभी नेट फोर्स जीरो एक्स में भी वाई में भी जेड में भी सब तरफ पर कभी ऐसा भी तो होता था कि वाई में नहीं होता था सिर्फ एक्स में होता था. अरे हाँ ना बोल यार जब आपने मैच बैट चलने वाले सवाल करे होंगे ब्लॉक के उसमें सिर्फ एक्स में कंजर्व था किसमें कंजर्व था. अरे हाँ ना बोल यार तो ये वैसी बात है कि अगर आप टॉर्क अबाउट एक्सिस किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो तो उसी के अबाउट फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे. ये एक्सिसेस है इसकी बहुत सारी जैसे उसमें एक्स वाई जेड होती थी इसमें रोटेशन की एक्सिस है पहले था जो मैं बोला चंगा. तो अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क अबाउट एक्सिस इक्वल्स टू और पॉइंट इक्वल्स टू जीरो दिस इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू कांस्टेंट दिस डजंट इंप्लाइज ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट. कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है. व्हाट बिकम्स कांस्टेंट बेसिकली एंगुलर मोमेंटम बिकम्स कांस्टेंट. आई ओमेगा भी इसलिए बोल रहा हूं कि आई ओमेगा इज स्पेशल केस फॉर रिजिड बॉडी इन अ प्योर रोटेशन. वो पार्टिकल भी तो हो सकता है तो एमआर क्रॉस भी लिख सकते हैं. अरे भाई हाँ ना बोल यार मुझे लगा ही तुम्हें आया कि नहीं आया. तो मैंने सिंपल सी बात कर ली एल वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट ओमेगा इक्वल टू दैट डजंट इंप्लाई दैट ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट. अच्छा क्या इफ टॉर्क इक्वल टू जीरो इक्वल टू एल इक्वल टू कांस्टेंट डजंट इंप्लाई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट. क्या इट इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट. टॉर्क नहीं हो तो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी. बोलो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी चेंज. दिस डजंट इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. ये वैसी ही बात जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू को छोड़ दो दोनों का मास एम एम है दूर भागेंगे पास या दोनों प्लस ले लो तो दूर पास दूर भाग. अभी इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो. थोड़ी देर बाद तो दोनों की होगी तो नेट काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी जबकि मोमेंटम कंजर्वड है क्योंकि दोनों का नेट फोर्स अरे नहीं आया. तो मोमेंटम इज कंजर्व डजंट मीन मोमेंटम इज कंजर्व मतलब नेट फोर्स बराबर जीरो दैट डजंट मीन दैट काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. वी मे बी इंटरनल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. यही हो रहा है कंसंट्रेटेड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो पहली बात याद रखना टॉर्क 0 4 0 तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं. जैसे अभी मैं कर रहा था मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी. अरे भाई साहब हां ना बोल. जैसे मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं सिंपल सा. जैसे मान लीजिए एक सुंदर कन्या है. क्या है एक सुंदर कन्या पहले उसने बाहें फैला रखी है. अरे हां ना बोल यार ऐसे और ये घूम रही है मान लो 10 रेडियन पर सेकंड से कितने से 10 रेडियन पर सेकंड से मान लो ये घूम रही है और इसका जो इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मान लो है 20 केजी मीटर स्क्वायर. 20 केजी मीटर स्क्वायर. अब इसने अपनी बाहें समेट ली. इसने अपनी बाहें समेट ली. अगर इसने अपनी बाहें समेट ली डर 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 तो इसका आई घटा बड़ा मान लो इसका आई हो गया 10. कितना हो गया 10. क्या नया ओमेगा निकाल सकते हो. क्या नया ओमेगा निकाल सकते हो. हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम इज टाइम वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू. टाइम वन ओमेगा वन बराबर नहीं आया. बोल मैं इसको मैच घुमारा 20 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 इंटू ओमेगा. ओमेगा के लिए कितनी है 20 रेडियन पर सेकेंड. मुझे लगा ही तुम्हें आया. अगर तू ध्यान से देख तो इसमें जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ 20 इनटू 10 स्क्वायर. बोल यस और नो. तो आई 1000. कितनी 1000. यार मुझे लगा ही तुम्हें आया. फाइनली क्या है हाफ इनटू 10 इनटू 20 स्क्वायर 2000. डबल हो गई काइनेटिक एनर्जी. कहां से आई है इंटरनल मोमेंटम व्हिच वी हैव डन. इसको समेटने में जो हमने कार्य करा ना. Yes, sir.
ये हमारी इंटरनल एनर्जी से जनरेट हुई है भाई साहब, ऐसे मतलब इंटरनल कहां से है? अभी तुम दौड़ते हो तो भी तो काइनेटिक एनर्जी आती है, नहीं आया? तो पहली बात, एक बात ये समझ लो कि टॉर्क इक्वल्स टू जीरो जब भी हो जिस पॉइंट के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट, क्या उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वड है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वड का मतलब ये नहीं है कि ओमेगा कांस्टेंट है, और उसका मतलब ये भी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैन वेरी बिकॉज ऑफ इंटरनल वर्क डन, बिकॉज ऑफ, एंड दिस इज द लाइव एग्जांपल व्हिच यू हैव। आपसे पूछे जाए व्हाट इज द वर्क डन बाय सुंदर कन्या इन डूइंग दिस प्रोसेस, देन आंसर इज 100,000 जूल्स। अरे यार हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, प्राण पखेरू, अरे पक्की बात, क्या बेसिक बेसिक सी बात अंदर घुसी है? एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए, फिर सवाल तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे आएगा। अरे भाई हाँ ना बोल, बहुत बेसिक बेसिक सी इलस्ट्रेशन जो समझ में आए लिख लो, हेडिंग डाल लो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और जो मैंने बोला सर अपने शब्दों में सजा के इस इलस्ट्रेशन को एज अ बेसिक इलस्ट्रेशन उतार लो, एज अ बेसिक इलस्ट्रेशन उतार लो। अगर अपन ऐसे मतलब ऐसे कह रहे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बहुत सारे सवाल आने जो बेसिकली हमको करने हैं, उसको हम समझे तो देख कैसे। जैसे मान लो कि आपके पास एक डिस्क है, क्या है? सपोज यू हैव अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, बोलो क्लियर है ना, और इसका मास वास एम है, डिस्क है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज जीरो एवरीवेयर, बोलो क्लियर। ये ओमेगा नॉट से घूम रही है, कितने से? इसके ऊपर एक और डिस्क ले लेते हैं, रेडियस आर, वापस मास एम, ये नहीं घूम रही एक ही एक्सिस पे, इसको धीरे से इसके ऊपर रख दिया, फाइनल ओमेगा। जल्दी से बता दो, हमने क्या बोला कि धीरे से रख दी फाइनल ओमेगा। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल चालू कर रहा हूं, बिल्कुल हल्का मत करना। चलो बहुत आसान हो गया, हाँ बोलो। हाँ क्या चीज कंजर्व्ड है? अरे क्या कंजर्व्ड है? एंगुलर मोमेंटम भाई, जैसे होते दोनों का एमजी एक ही जगह से पास कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात कोई इसका टॉप वर्क का लफड़ा नहीं है, तो ध्यान से देखो तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? आई ओमेगा नॉट, आई कितना है? एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट प्लस जीरो। अरे भाई हाँ ना बोल, फाइनली क्या दोनों का मोमेंटम इनर्शिया हो गया 2 इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा फाइनल, 2 ने 2 को मान लिया, ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी आई? ओमेगा नॉट बाई 2। ये गलत है, ये गलत है। कौन है जो इसकी ओमेगा को बढ़ाएगा और कौन है जो इसकी ओमेगा को घटाएगा? कौन? फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, कुछ नहीं होगा, ये ओमेगा नॉट से घूमती रहेगी, वो रेस्ट पे ही रहेगी, फ्रिक्शन है ही नहीं। अरे भाई साहब कंफ्यूज मत हो, इस सवाल का आंसर ओमेगा नॉट और जीरो है, फ्रिक्शन ही तो था जो उसे घुमाता था भाई। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो इसमें बेवकूफ बनाया, कोई आंसर नहीं है इसका, ये आंसर नहीं है, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, ये आंसर नहीं है इसमें। देखो अब फिर से सवाल उतारो और ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो कर दो, फिर ये सवाल पूछो, अब ये उतारो और टिक लगाओ और सोचो कि सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट बाई टू का होल स्क्वायर, यानी कि इनिशियल थी एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई फोर, और फाइनल है एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई एट। काइनेटिक एनर्जी बड़ी घटी, घटी बड़ी, कौन खा गया, कौन खा गया? अगर बहुत ध्यान से देखो तो इस वाले केस में
जैसे ही आप इस ऊपर वाले डिस्क को नीचे वाले डिस्क पे रखोगे, क्या दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होगी? तो फ्रिक्शन चाहेगा दोनों रुक जाए कि एक साथ घूमे? तो क्या ऊपर वाले को फ्रिक्शन को सब आता है, टॉर्क, एटी, अल्फा, ये बात कर चुके हैं। तो ऊपर वाले की ओमेगा बढ़ाएगा और नीचे वाले की ओमेगा, तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक दोनों की ओमेगा सेम। दैट इज द फाइनल सिचुएशन। इसका मतलब फ्रिक्शन ने कार्य करा, फ्रिक्शन ने कार्य करा मतलब उसने एनर्जी खाई। कितनी एनर्जी वो खा गया? mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 8। बता, अगर इस सवाल में पूछ लेता व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो आंसर होता है mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 8। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समाज। बेटा मैंने वो mr स्क्वायर बाय 2 into 2 कर दिया तो mr स्क्वायर हो गया ना वो। अबे दो डिस्क है तो mr स्क्वायर बाय 2 into 2, एक डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2 into 2, तो 2 ने 2 को तो मैंने डायरेक्ट mr स्क्वायर लिख दिया। ये सही तो पहले भी था। तुम्हें मेरी बात समझ? बहुत सवाल ऐसे छोटे छोटे आते हैं, क्या करते हैं बताता हूँ। जैसे बोलेंगे कि एक मास m है, रेडियस r है, ये ओमेगा नॉट से घूम रही है, इसके ऊपर एक छोटे से मास m को धीरे से रख दिया। कैसे रख दिया? धीरे से। बताओ फाइनल ओमेगा क्या होगी? क्या निकाल सकता है? yes, अगर कुछ नहीं बोला तो फ्रिक्शन मानना है। yes, अगर कुछ नहीं बोला तो फ्रिक्शन मानना है। क्या फिर से क्या कंजर्व्ड है? क्या कंजर्व्ड है यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या कंजर्व्ड है? एंगुलर मोमेंटम। इसका ओमेगा निकल दो फाइनल फटाक से, बिल्कुल बेसिक सवाल। क्या हुआ? जुलारी छुट्टी, जीवन की गाड़ी छुट्टी। क्या कंसेप्ट है? एंगुलर मोमेंटम। गलत मत करना, गलत कर दे घर पे जाके कांच के सामने रोना, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, हमें ये समाचार क्यों मिला, बोल मत देना साले। उले 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 चला जाओ। एक मान लो एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है झूले वाला, कौन से वाला? झूले वाला। झूले पे से बेसिकली अगर अपन बात करें तो इसका साइड व्यू है, टॉप व्यू ऐसा है, मतलब साइड व्यू ये है, टॉप व्यू है ऐसे अपना है, और यहाँ पे अपनी कौन खड़ी हुई है? सुंदर कन्या, बहुत बढ़िया, 50 किलो की है। कौन? सुंदर कन्या 50 किलो की है। डिस्क जो है उसका मास m 20 किलो है, इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है, कितना है? 2 मीटर। और यहां पे अपनी सुंदर कन्या है, बोलो क्लियर? पक्का? अब ऐसे प्लेटफॉर्म था जो ऐसे घूम सकता था, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है एग्जैक्टली, आपको सवाल कराया हूं मैं ट्रॉली से कूदते हुए सवाल। yes, करा दिए गए एग्जैक्टली वैसे ही ट्रॉली से कूदने वाले सवाल कराया। yes, और ट्रॉली से कूदने की सर ने 3 रफ्तार बताई होंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही बोला होगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। yes, यार हाँ ना बोल। yes, क्या 3 रफ्तार क्या बताई होगी? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बिफोर जंप एंड कुछ नहीं बोला हो तो उसे आफ्टर जंप ही कंसिडर करना। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया, एग्जैक्टली सेम, ये वही कहानी है दोबारा दोबारा, वही चलेगा सब कुछ। तो सुंदर कन्या जब कूदी, मान लो कि सुंदर कन्या ऐसे कूदी, खूब ऐसे कूदे, ऐसे थी, ऐसे ऐसे, क्या कंसेप्ट है? क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं इसलिए बिना सोचे समझे मत बोलो, लॉजिक लगाओ पहले। मोमेंटम कंसेप्ट नहीं है इसमें, तो सुंदर कन्या जैसे ऐसे कूदेगी अगर ऐसे कूदी मान लो v नॉट रफ्तार से,
बोल।